मनाहिल तुम? हाँ मैं। अफसोस हो रहा होगा ना मुझे देखकर। अफसोस नहीं, बस हैरत हो रही है। तुम यहाँ मुझसे मिलने के लिए आई हो? मजबूरी थी इसीलिए आना पड़ा। क्या करूँ? मजबूरी? कैसी मजबूरी? ऐसे काफी डिप्लोमेटिक हो तुम। तुम क्या कह रही हो मनाहिल? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारा, तुम कुछ समझती नहीं हो, या फिर शायद समझना ही नहीं चाहती हो। जानती हो, एक शादीशुदा औरत जो अपने शौहर को धोखा दे रही हो और किसी और के साथ ताल्लुक बना रही हो, ऐसी औरतों को क्या कहते हैं? अफसोस हो रहा है मुझे, तुम यहां ये सब कुछ कहने मेरे घर आई हो? हाँ, यही सब कुछ कहने में तुम्हारे घर आई कि जिससे मैं प्यार करती हूं आज भी उसके दिलो दिमाग पर तुमने कब्जा किया हुआ है। मेरे रेहान को तुमने अपने हसार में जकड़ रखा है, इसीलिए उस बेचारे को मेरी मोहब्बत नजर ही नहीं आती है। तुमने जो कहना था कह दिया, अब जाओ यहां से वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जानती हो, प्यार से ज्यादा रेहान अब मेरी जिद बन चुका है, वो भी तुम्हारी वजह से। तुम इतना गिर जाओ कि मनाहिल मैं सोच भी नहीं सकती थी। ना, गिरने पर भी तुमने ही मजबूर किया है मुझे अमन। तुम मेरे रेहान के पीछे पड़ी हो, क्यों उसको अपनी यादों का असीर बना रखा है? जाओ यहां से मनाहिल, फौरन चली जाओ। क्यों जाऊं? क्यों जाऊं मैं यहां से? कोई सुन लेगा हमारी बातें? मैं आज सबको चीख चीख के बताऊंगी कि तुमने मेरे रेहान को छीना है। मनाहिल, लो आ गए तुम्हारे चाहने वाले। अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहां से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी और आज से इस जादूगरनी से तुम्हें आजाद करवाकर ही चैन लूंगी। इस घर में कोई तमाशा मत करो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मेरे साथ बुरा होगा? बुरा तो आज इसके साथ होगा। किस शौहर को इसकी असल शक्ल दिखा कर ही जाऊंगी मैं। तुमने जो करना है ना मनाहिल, करो, क्योंकि अब मैं भी किसी से नहीं डरती। लोग हंसते हैं तुम पर, अमल अशफाक, बड़ा घमंड था ना तुम्हें अपने नाम पर। बंद करो अपनी बकवास और चलो यहां से। मैंने तुम्हें कहा था अमल से दूर रहो, लेकिन तुम बाज नहीं आई। मैं क्यों दूर रहूं उससे? तुम्हें दूर रहना चाहिए ना उस डायन से। मैं भी अब उसको तुम्हारी जिंदगी से निकाल कर ही दम लूंगी, तभी तुम मुझसे शादी करोगे। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा और आज के बाद तुम्हें मिलूंगा भी नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, तुम आज के बाद अमल के घर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रास्ता दो मेरे। मुझे यूं बीच रास्ते पे नहीं छोड़ के जा सकते रेहान, तुम सिर्फ मेरे हो। अमल का मैं तुम्हें होने नहीं दूंगी। अच्छा आंटी, मुझे ना आपको कुछ डिजाइन दिखाने थे। कौन से? दिखा दो। हाँ ये वाले देख लीजिए, उसके बाद मुझे फाइनल कर दीजिए। मम्मा, मम्मा। हानिया, क्या हुआ है? तुम ठीक हो? कासिम अंकल लोगों ने, सोनी आंटी ने मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया उन लोगों ने मुझे। क्या हानिया, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मेरी मम्मा ऐसा नहीं कर सकती। मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हारी मम्मा पहले दिन से ही नहीं चाहती थी कि मैं उस घर में रहूं। कर दिया ना सब कुछ खराब मेरे लिए, सब कुछ खराब कर दिया ना। बासल को छीन लिया ना मुझसे। क्या चाहिए अब तुम लोगों को? प्लीज हानिया, संभालो खुद को। इतनी टेंशन तुम्हारे और तुम्हारे बेबी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इधर आओ, इधर बैठो, इधर बैठो।
मेरी मम्मा ने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी समझा, तुम उनके बारे में इतनी गलत बातें कर रही हो। ये भी अपनी माँ की तरह कितनी चालाक है। ये खतरनाक हम लोग नहीं बल्कि तुम सब हो। अगर तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो चली क्यों नहीं जाती हो मेरे घर से? इसको भी अपनी गलती का एहसास हो गया तो वापस आ गई ना, तुम भी चली जाओ यहां से। क्यों हमारे घर की खुशियां तबाह करने पे तुली हुई हो? जाती क्यों नहीं हो यहां से? ये आन्या, क्या हुआ? सुनिए आंटी, लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया है। ये अब यहां नहीं रहेगी, मैं बता रही हूं, ये यहां नहीं रहेगी। इसे निकालें, फौरन निकालें इसे, ये यहां नहीं रहेगी एक सेकंड भी। पाओ आनिया, तुम्हारे लिए तो सिर्फ मैं एक ब्लैंक चेक हूं, जब चाहे कैश करा लो, लेकिन याद रखना मैं इस घर से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मुझे मेरे हक महर की रकम नहीं मिल जाती। हक महर? मैं क्या लेके आई हूँ वहां से? हाँ, खाली हाथ आई हूँ मैं, कुछ लेकर नहीं आई हूँ। इसको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ये यहाँ से ऐसे ही जाएगी खाली हाथ जैसे मैं आई हूँ। तुम वहां से खाली हाथ आई हो क्योंकि तुम यहां से खाली हाथ गई थी, लेकिन मैं वहां से खाली हाथ नहीं आई। मेरे साथ मेरी मामा की दुआएं। तुम्हारी तरह घर से भागकर शादी नहीं की मैंने, तुम्हारी मॉम खुद आई थी मेरा रिश्ता मांगने के लिए। मुझे ताना दे रही हो? मुझे ताना दे रही हो तुम? इतनी जुर्रत तुम्हारी? हानिया, क्या हो गया तुम्हें? इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? देखो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें अमल का कोई कसूर नहीं है। और आई थिंक अमल ठीक कह रही है, ये उसका घर है, क्यों जाए छोड़कर? तुम्हें क्या हो गया ज़हीन? पागल हो गए हो? मॉम प्लीज, सिचुएशन को समझें। ये वक्त हानिया के आराम करने का है, ना कि लड़ने का। अमल प्लीज, तुम भी हानिया को माफ कर दो। आई नो तुम गुस्से में हो और तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, डोंट वरी। बिल्कुल, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। महा, जाओ तुम हानिया के लिए जूस बना कर लो। जूस भी उसी से बनवाओ ना जिसकी बातें तुम्हें ठीक लगने लगी हैं। Yes. मामा, क्या हुआ मेरी जान? मामा, आपने होमवर्क ही नहीं करवाया आज मुझे। देखिए, मुझे ये वाला सब समझ नहीं आ रहा, प्लीज करवा दे। ओ अच्छा, ठीक है राफे बेटा, ऐसा करो आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आकर आपको होमवर्क करवाती हूँ। ठीक है, गुड नाइट अंकल। अगर तुम अपने लाडले के पास जा ही रही हो तो अपना पिलो भी साथ ले जाओ, मुझे अपनी नींद में डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, अब आपकी नींद में तो क्या, आपकी लाइफ में भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं करूंगी।
हेलो अमल, तुम ठीक हो? सॉरी बच्चों, मनाहिल ने किया। रेहान, क्या हो गया? मनाहिल ने जो कुछ भी किया उसके लिए तुम क्यों सॉरी कह रहे हो? इट्स ओके। ओके। अच्छा रेहान, तुम्हें पता है आजकल रहीम का बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल चेंज हो गया है। बिहेवियर चेंज मतलब? वो दिलशाद आंटी और माहा के सामने मुझे फेवर देता है, और आज तो उसने हानिया को भी मेरे खिलाफ बोलने से रोक दिया। जहन के दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ तो गलत चल रहा है। पॉजिटिव सोचा करो, हो सकता है जहीन अपनी गलतियों पे शर्मिंदा हो, खुद को बदलना चाहता हो, तुम्हारे और अपने रिश्ते को एक नया मौका देना चाहता हो। रेहान, तुम जानते हो ना कि ये लोग मुझसे नफरत करते हैं, और जहीन बदलने वालों में से नहीं है। अमल, अगर जहीन की तरफ से शुरुआत हो रही है तो तुम भी इस डूबते हुए रिश्ते को बचाने की कोशिश तो कर सकती हो। आपके मुफ्त मशवरे का बहुत शुक्रिया अमल। ये तो खफाई हो गई, अब फोन नहीं उठाएगी। क्या जरूरत थी मुझे फालतू की बात करने की? बानो जी। भाभी, मामा बता रही थी कि हानिया अपनी मेडिसिन वहीं भूल आई है, तो मैंने मंगवा ली। तुम एक काम करो, ये हानिया को उसके रूम में दे आओ। लेकिन हानिया जी तो अपने रूम में नहीं है। नहीं है तो कहाँ है वो? वो दिलशाद मैडम के रूम में है, मैं उनको वहीं दे के आ जाती हूँ फिर। नहीं, तुम इनके रूम में रख दो, मैं मुझे हानिया से बात भी करनी है तो मैं उसे बता दूंगी। जी ठीक है, जैसे आपकी मर्जी भाभी, मैं रख के आती हूँ। तुमने तो अमल को कन्विंस कर लिया कि तुम उसके साथ हो। जहीन इज सच अ गुड एक्टर। आखिर बेटा किसका हूं? हाँ वैसे तुम्हें दिल जला देने वाली एक्टिंग पर ना ऑस्कर मिलना चाहिए। कुछ सेकंड्स के लिए तो मुझे लगा तुम वाकई बदल गए। बस आप लोग देखते जाए मैं करता क्या हूं। पेट्रोल छिड़क दिया मैंने, माचिस मेरे हाथ में, बस आग लगाना बाकी है। अब मैं अमल के एहसासात और जज्बात को ऐसी आग लगाऊं कि वो हक महर के बारे में भूल जाएगी। तो आप करेंगे क्या भाई? प्लान क्या है आपका? अगर आपको लगता है कि आप जाके अमल से कहेंगे कि वो हक महर माफ कर दे और वो हंसी खुशी मान जाएगी और माफ कर देगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। बहुत चालाक लड़की, कभी भी इतनी आसानी से तो नहीं मानेगी। जानता हूँ, बट यू डोंट वरी, ताश के सारे पत्ते एक ही बार फेंक देने से ना बाजी के हार जाने का डर होता है। मैं जो चाल भी चलूंगा ना, बहुत सोच समझ के चलूंगा। समझ रही हूँ तुम्हारी बात, ये भी ठीक है, लेकिन तुम्हें सब कुछ बहुत पहले कर लेना चाहिए था। I know, बस अमल को जो मैं दिखाऊंगा देखेगी, और जो मैं उससे करवाऊंगा करेगी। वैसे अगर तुम बिजनेसमैन ना होते ना तो एक कामयाब एक्टर जरूर होता। बस आप लोग देखते जाए मैं करता क्या हूं। पेट्रोल छिड़क दिया मैंने, माचिस मेरे हाथ में,
बस आग लगाना बाकी है। अब मैं अमल के एहसासात और जज्बात को ऐसी आग लगाऊं कि वो हक महर के बारे में भूल जाएगी। बस अमल को जो मैं दिखाऊंगा देखेगी, और जो मैं उससे करवाऊंगा वो करेगी। मेरी बात तो सुनो रेहान। मैंने तुम्हें कहा था मेरे सामने मत आना मिनाइल। मैं जानती हूं तुम मुझसे नाराज हो। देखो उस दिन अमल के घर पे जो भी कुछ हुआ भूल जाओ उसे। कितना आसान है ना तुम्हारे लिए कहना, जो तुमने गलत किया उसे मैं भूल जाऊं। तुम ऐसा करो, तुम मुझे भूल जाओ, जो तुमने हमारे साथ किया मैं भूल जाऊंगा। चली जाओ यहां से। रेहान मैं प्यार करती हूँ तुमसे, आज भी अपनी मोहब्बत को किसी सूखे गुलाब की तरह तुम्हारे लिए संभाल के रखा। तुम मेरे बन जाओ, शादी कर लो मुझसे। मिनाइल मैं तुम्हें बार बार कह चुका हूँ कि मैं शादी नहीं कर सकता। और हाँ, अगर तुमने अमल को लेकर कोई भी हिमाकत की तो हमारी ये दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। तुम आज भी अमल से मोहब्बत करते हो, कितनी खुश नसीब है ना वो जिसे बिना मांगे इतनी मोहब्बत मिल गई, और कितने बदनसीब होते जो तुम्हें छोड़कर चली गई, सिर्फ जिंदगी भर का रोक देंगे। मिनाइल मोहब्बत मर्जी से नहीं होती, ये नसीब की बात है। किसी को रिस्क की तरह मिलती है और किसी को रोक की तरह। खैर मैं ऑफिस जा रहा हूँ, प्लीज। रेहान मैं भी तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम मेरे नसीब में वो रोक क्यों लिखना चाहते हो जो अमल ने तुम्हारे नसीब में लिखा है? वो सजा मुझे क्यों दे रहे हो जो तुम्हें अमल से मोहब्बत करके मिली है? मिनाइल तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मुझे हासिल करना तुम्हारी जिद है और कुछ नहीं। और ये बात तुमने ही की थी अमल से, मैंने उस दिन सब सुन लिया था। लेकिन मैं अना और जिद की बुनियाद पे बनाए हुए रिश्तों में यकीन नहीं रखता, इसलिए हमारे रास्ते जुदा हैं। रेहान वो तो बस मैंने यूं ही। प्लीज मिनाइल अब और झूठ नहीं, मैं जहां खड़ा हूं मुझे वहां रहने दो, मुझे किसी की जरूरत नहीं। प्लीज मकबूल जाके बासिल से कहो नीचे आए और नाश्ता करे। सर बासिल बाबा तो सुबह सवेरे ऑफिस चले गए, कह रहे थे ऑफिस में कोई जरूरी काम है। और सोनिया मैडम से मैंने कहा था नाश्ते की टेबल पे आने का, तो उन्होंने मना कर दिया, कह रही अभी उन्हें भूख नहीं है। ठीक है तुम जाओ। जी बेहतर। अंकल मामा को क्या हुआ? हर वक्त रोती रहती है, रात को भी रो रही थी। अगर वो हर वक्त रोती रहती है तो तुमने पूछा क्यों नहीं कि प्रॉब्लम क्या है? हाँ समझ में नहीं आता वो चाहती क्या है। चलो नाश्ता करो, फिर मैं ड्राइवर से कहता हूं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर दे। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये नोटिस सुहेल भाई की तरफ से है। तो बंटवारा नहीं होगा, मैं ना तो ऑफिस जा सकता हूँ ना कोई चीज लेके जा सकता हूँ। आपको क्या लगता है आपका ये ड्रामा देखकर मैं मुतासिर हो जाऊंगी, भूल जाऊंगी वो सब कुछ जो आपने मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे घर के साथ किया, सबसे बढ़कर मेरे एतमाद के साथ किया? सुहेल कुछ भी नहीं बचा पाती। बानो 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 को क्यों आवाज़ें दे रहे हो? वो तो अब तुम्हारा कोई भी काम नहीं करेगी क्योंकि मैंने उसे मना किया है। देखो तुम हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो कि वो तुम्हारे काम करेगी, ठीक है?
भूल है तुम्हारी हानिया, ये तुम्हारी भूल है कि मैं इस फैमिली का हिस्सा नहीं हूं। तुम्हें शायद याद ना हो, लेकिन जब तुम ये दिलशाद हाउस छोड़कर भागी थी ना, तो दिलशाद आंटी मुझे खुद लेने के लिए आई थी, इस घर की बहू बनाने के लिए तुम्हारे बदले में। और आज तक मैं वो सजा भुगत रही हूं, बदकिस्मती से, लेकिन अब हूं मैं इस फैमिली का हिस्सा। तुम्हें पता है, तुम्हें इस वक्त एहसास भी नहीं हो रहा है कि तुम मामा से या जहीन भाई से टक्कर लेके कितनी बड़ी गलती कर रही हो। अमल तो हमारी फैमिली को भी जानती नहीं हो। गैरत, तो बेहतर होगा कि तुम जहां से आई हो वहां वापस चली जाओ, इससे पहले कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाए। क्यों चाहती हो अपने साथ बुरा करना? अगर मैं यही बात तुमसे कहूं तो कि तुम जहां से आई हो वहीं लौट जाओ, बासिल भाई के पास। और हाँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जितना बुरा मेरे साथ होना था वो इस दिलशाद हाउस में ऑलरेडी हो रहा है, मजीद नहीं हो सकता। इनफैक्ट अब तो उसका हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। तुम्हारा तो अब मैं इस घर में ऐसा जीना हराम करूंगी ना, तुम्हें दीवी हर एक चोट की गूंज तुम्हारी मामा तक पहुंचेगी, ये मेरा तुमसे वादा है। मैं सोच भी नहीं सकती थी हानिया कि मुझे तुम्हारा ये रूप भी नजर आएगा। मैं तुम्हें इन सबसे अलग समझती थी। काश उस दिन मैं आई ही ना होती तुमसे बात करने, तुम्हारी खैरियत का मालूम करने। क्या हुआ? तुम्हारे पैर में क्या हुआ? ऑल ओके? कुछ नहीं, बस वॉक करते हुए हल्की सी मौच आ गई थी, इसीलिए बानो को बुला रही थी। तो मुझे बताया क्यों नहीं? मेडिसिन लिए तुमने? यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, लग जाएगी। दिखाओ मुझे, दिखाओ। इन्हें इतना रियलाइज नहीं हो रहा कि ये लड़की हमें बेवकूफ बना रही है, झूठ बोल रही है हमसे। यहां लगी तहीं, तुम दौलत की खातिर इतना गिर जाओगी ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। Are you feeling better? हाँ मैं ठीक हूँ, बस सही है। चलो अब मैं कमरे में छोड़ा, मैं चली जाऊंगी। शुक्रिया। ख्याल से। करता हूँ। मेरी वाइफ से और कमेंट मत किया करो, समझे तुम? सिल बेटा। अरे आप, मकबूल भाई बता रहे थे तुमने खाना नहीं खाया, वो मैंने टेबल पे लगा कर रखा हुआ है, आके खा लो ना। असल में मुझे भूख नहीं थी इसलिए मैंने नहीं खाया। देखो मैं मानती हूँ कि तुम परेशानी की हालत में हो, लेकिन खाने से क्या नाराजगी? किसी से नाराज होने का मुझे कोई हक ही नहीं है, तभी तो हानिया भी मुझे छोड़ के चली गई। तुमसे रोका? तुमने उसे रोका नहीं, तुम्हें उसे रोकना चाहिए था।
जानते हो इस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है सबसे ज्यादा। माना गुस्से में जिद में आकर वो छोड़कर चली गई, उसे भले एहसास ना हो लेकिन तुम्हें तो होना चाहिए ना उसका एहसास। ये सब आप कह रही, जिसने इतना सब कुछ सहा है, हालांकि आप जानती हैं कि वो गलत है। देखो वासिल, सारी दुनिया को सही और गलत के तराजू में नहीं तोला जा सकता, और कभी कभी हम सही और गलत के फैसले को तकदीर पर छोड़ देते हैं, और वही बेहतर होता है हमारे लिए। तकदीर, तकदीर पे तो अब मुझे जरा भी भरोसा नहीं रहा। बचपन से माँ बाप के प्यार को तरसता रहा, अगर मॉम डैड अपने ही सर्कल में बिजी रहे, प्यार तो देना दूर की बात है, उन्होंने तो वक्त देना भी मुनासिब नहीं समझा। जब हानिया को देखा, उससे मुलाकात हुई, मैंने उसे अपने प्यार का मोहरा बना लिया। सोचा बस अब ये सब कुछ मेरे लिए, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे बच्चे को भी अपने माँ बाप का प्यार न मिले। मिला ना करे, ऐसे मायूसी की बातें मत कर, और मुझे उम्मीद है कि हानिया को एक ना एक दिन तुम्हारी मोहब्बत का एहसास जरूर होगा। थोड़ी गुस्से वाली है, बुरी नहीं है, नादान है, बस जिद में आकर चली गई। एहसास बातों से नहीं दिलाया जाता, बर्ताव से दिलाया जाता है। आप खुद को देख लें, बाबा आपके साथ कैसा बर्ताव करता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा मत सोचो। तुम्हारे पापा हम सबसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बस ये अलग बात है कि इतने जज्बात का इजहार खुल के नहीं कर सकते। मैं तो तुम्हें यही कहूंगी कि तुम हानिया से ऐसा सलूक मत करो जिस सलूक की तुम्हें शिकायत अपने पापा से है। उसे मना लो, वापस ले आओ उसे। ठीक है, अगर एक बार मुझे फिर झुकना पड़े ताकि वो सारी तिलकियां खत्म हो जाए, तो मैं ले आऊंगा उसे घर। पता है, कभी कभी झुक जाना ही हमारे लिए बेहतर होता है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अपना रिश्ता बचा लो, मना लो उसे। अब आ जाओ, बाहर खाना लगा हुआ, ठंडा हुआ, खा लो। ड्राइवर, गाड़ी निकाले। सॉरी मैडम, आप इस कार में नहीं बैठ सकते। नहीं बैठ सकती मतलब? गाड़ी खराब है क्या? मैडम, हमें सख्ती से मना किया गया है कि दिलशाद हाउस की आप कोई भी कार इस्तेमाल नहीं कर सकते। मना किया गया है? किसने मना किया है आपको? वो मैं आपको नहीं बता सकता। ये सब हानिया का किया धरा है। ओह, तुम तो कहीं बाहर जा रही थी, गई नहीं? यहाँ किसी ने तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दी? अब थकती नहीं है इतना सब गलत करके? इसे गलत नहीं कहते, इसे कहते हैं मात देना, मुंह के बल गिरा देना। आप खेलिए, आप ये खेल अकेले खेलिए। वैसे अकेले खेलने का भी क्या फायदा, ना जीतने की खुशी ना हारने का गम। क्यों, ठीक कहा ना मैंने?
तुम जो खेल मेरे घर में खेल रही हो ना, उसकी मैं बहुत पुरानी और शातिर खिलाड़ी हूँ। इतनी आसानी से तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। लेकिन आप भूल रही हैं कि मैं भी कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ, और वैसे भी मैं भी ये खेल हारना थोड़ी चाहती हूँ। मैं भी तो जीतने के लिए खेल रही हूँ ना। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये क्या हो रहा है? मॉम प्लीज, अमल के लिए कोई इशू क्रिएट मत कीजिएगा। Why don't you ask her? इसी से पूछो ये चाहती क्या है? अमल बताओ मुझे, मॉम क्या कह रही थी तुम्हें? सहीन बस कर दो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम ये ड्रामे क्यों कर रहे हो, ताकि तुम मुझसे मेरे हक महर की रकम माफ करवा सको, है ना? लेकिन अफसोस, मैंने सब सुन लिया था, इसलिए अब तुम्हें मजीद ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। तुम रिश्तों को कैश करवाना अच्छे से जानते हो, बहुत अच्छे एक्टर हो, ऑस्कर भी जीत सकते हो, है ना मिसेस माहा सहीन? आप यही कह रही थी ना जब आप सब मिलकर मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन एक बार फिर से आप सब लोग हार गए। बहुत शौक है ना तुम्हें पत्ते फेंक कर बाजी खेलने का। चलो ठीक है, अब एक बिसात मैं बिछाती हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह छुपकर बातें सुनते हुए? नो, मिसेस माहा सहीन, इतना गरूर भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि ना पांसा पलटने में देर नहीं लगती, कभी भी बुराई जीत नहीं सकती। अच्छा, तो अब तुम पांसा पलटोगी? वेरी इंटरेस्टिंग। बाय द वे, तुम्हें पता है तुम जैसे जो लोग होते हैं ना, उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है, वो ये कि वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। बस इसी बात का फायदा उठाया मैंने, दैट्स इट। बट यू आर लकी, एक बार फिर बच गई। तो सही, तुम अपने इस खेल में जीत सकते हो, बस मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? तुम माहा को तलाक दे दो। व्हाट? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं, तुम माहा को तलाक दे दो और मैं अपने हक मेहर की आधी रकम माफ कर दूंगी। बस दिलशाद ग्रुप ऑफ कंपनीज के आधे शेयर्स मेरे नाम करने होंगे, तुम्हारा खेल आसान हो जाएगा। ये पागल हो गई है। तुम सीरियसली अमल, तुम्हें लगता है कि जहीन माहा को छोड़ देगा और तुम्हें अपना लेगा और मेरी कंपनी से तुम्हें शेयर्स मिल जाएंगे? क्या है ना दिलशाद आंटी, मुझे आप सब पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा, इसलिए शेयर्स तो मेरे नाम करने ही होंगे। वैसे भी बहुत अच्छी शर्त है ये, डील भी आसान हो जाएगी और इस तरह आप माहा को भी तलाक दिलाकर घर से निकाल बाहर करेंगे। हाउ डेयर यू? मैं जहीन की पहली मोहब्बत हूँ और सिर्फ मैं ही जहीन की बीवी हूँ। जहीन मेरे साथ ऐसा कर भी नहीं सकता। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसको छोड़ता है। वैसे भी जहीन, तुम्हारा माहा से ताल्लुक फिक्स डिपॉजिट ही तो है, जब चाहे कैश करा लो। तुम्हें हो क्या गया? तुम्हारा दिमाग ठीक है जहीन? तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अभी तो हमें अपनी शादी को ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करनी है, अभी हमें अपना रिश्ता दुनिया के सामने लेकर आना है। सहीन, अपनी इस ड्रामेबाज बीवी की बातों में हरगिज़ मत आना। अच्छी तरह सोच लो कि किस रिश्ते का पत्ता फेंकने के बाद बाजी तुम्हारे हाथ में होगी। एक्चुअली मुझे भी ये खेल खत्म करनी है, बहुत थक गई हूँ मैं, जिंदगी में आगे बढ़ना है। सोच लो। Thank you.
राशिद देखो, मैंने तुम्हारे कहने पर ना अमल बीबी को डराने में तुम्हारी बहुत मदद की है, और अब दोस्त मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अबे ओ बुद्धू, क्या हो गया तुझे? कौन सी बातें कर रहे हैं? कौन सा दोस्त, कहाँ का दोस्त? ये सांप सीढ़ी का खेल है, सांप सीढ़ी का, जिसको जब मौका मिलता है डस लेता है। अब तेरा काम खत्म हो गया, चल निकल यहाँ से जा। देख राजित, ऐसा मत कह। देख, तूने मुझे दोस्त कहा था और आज मुझे पैसों की अशद जरूरत है। अबे कौन सा दोस्त, कहाँ का दोस्त? तूने काम किया, मैंने तुझे पैसे दे दिए, बात खत्म हो गई। चल चलता बन, आइंदा शक्ल मत दिखाना अपनी मुझे। चल 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 चल, जा जा, शाबाश बजाना भाई। मतलब अमल के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें राशिद के साथ खादिम हुसैन भी शामिल है, यहाँ सब मिले हुए हैं। मेरा मतलब है तुम यहाँ क्या कर रही? कैब का वेट कर रही। कैब? तो तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? मिस्टर मैनेजर, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। वो मैडम दिलशाद की गाड़ी थी और उन्होंने मुझे वो यूज करने से मना कर दिया, समझे? तुम मुझसे क्यों नाराज हो रही हो? क्यों ना हूँ मैं नाराज? तुमने मुझे कहा था ना कि उसे टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। ज़हीन बदल गया है वगैरह वगैरह, तुमने उसकी फेवर की थी। And for your information, ज़हीन बदला नहीं है, बल्कि एक बार फिर से मुझे धोखा दे रहा था। लेकिन अब देखना, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगा।